नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम नायब सैनी ने छोटे किसानों को राहत देने का काम किया है। आपको बता दें कि मिट्टी निपटान से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए एक पोर्टल सेवा की भी शुरुआत हुई है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार हर वर्ग की हर छोटी बड़ी समस्याओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती है। ऐसे में चाहे वो किसान वर्ग हो या व्यापारी वर्ग या इसके अलावा कोई अन्य वर्ग, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी तरह की सरकारी परमिशन लेने के लिए उन्हें धक्के न खाने पड़े, इसके लिए अलग अलग तरह के पोर्टल लॉन्च किए जा रहे हैं। अब हरियाणा सरकार ने किसान माइंस हरियाणा पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के तहत किसान और छोटे व्यापारियों सहित गांव की रेहड़ी या बुग्गी वाले किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी। अब वो घर बैठे ही निशुल्क मिट्टी के प्रयोग से संबंधित परमिट प्राप्त कर सकेंगे। मिट्टी का उत्खनन किए जाने वाले गांव के सरपंच या ग्राम सचिव से एनओसी लेनी होगी। पोर्टल को लॉन्च करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस प्रक्रिया के अंदर ग्राम पंचायतों को भी जोड़ा गया है, उन्हें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। यानी जिस गांव में साधारण मिट्टी का उत्खनन किया जाएगा, उस गांव के सरपंच या फिर सचिव से एनओसी लेना जरूरी होगा। जिस गांव में साधारण मिट्टी का उत्खनन होगा, उस मिट्टी के उत्खनन से प्राप्त रॉयल्टी का 50% हिस्सा संबंधित ग्राम पंचायत के खाते में जमा होगा। इससे संबंधित ग्राम पंचायत गाँव का भी कोई भी विकास कार्य करवा सकेगी। एक बड़ी हरियाणा के अंदर हमारे किसान भाइयों को भी, छोटे व्यापारियों को भी एक बड़ी समस्या मिट्टी निपटान से वो आ रही थी, उसके समाधान के लिए आज हम एक पोर्टल को भी लॉन्च कर रहे हैं। हमारे जो किसान भाई हैं, छोटे व्यापारी हैं, लंबे समय से मिट्टी से संबंधित विभागीय अनुमति व अन्य प्रक्रियाओं के जटिल, क्योंकि चलान हो जाता था, मिट्टी का कोई काम करता था उसका चलान हो जाता था, उस समस्या का आज हमने पोर्टल के माध्यम से वो समाधान निकाल दिया है। आज इस पोर्टल का शुभारंभ हो रहा है। ये किसान, छोटे व्यापारी, गांव में रेड़ा बुग्गी वाले किसान को भी राहत मिलेगी तथा अपने घर बैठे ही वो चाहे मोबाइल के ऊपर है, चाहे वो सीएससी सेंटर में जाकर के वहीं पर अपना कौन से खेत से उसने मिट्टी को लेवल करना है या उठा करके घर लेकर के आनी है, क्योंकि कई बार इस प्रकार के भी दिक्कतें थी कि भाई मैं तो अपने खेत से मिट्टी ले आया, घर में मन्नू यूज चाहिए था, चलान भी कर दिया। वो खाली वेबसाइट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर वो रजिस्ट्रेशन करेगा कि मैंने इस खेत से मिट्टी उठानी है या इस खेत का लेवल करना है और उसका प्रिंट निकाल लेगा। कुछ उसको करना नहीं, कोई फीस नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं लगेगा उसका, और वो अलाउ होगा, उसको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, वो कर सकेगा, अपना लेवलिंग भी कर सकेगा और वो मिट्टी भी उठा करके घर लाएगा। खाली पोर्टल के ऊपर उसने बताना भी मैं ये काम कर रहा हूँ, इस खेत से उठा करके यहाँ सूचना देनी है, उसके अंदर सूचना देनी है ओनली किसान को। किसान व छोटे व्यापारी अगले 3 महीने तक ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ साथ ऑफलाइन भी, मान ले उसको पोर्टल के ऊपर समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा तो वो माइनिंग ऑफिस में एमओ के पास जाकर के भी वहां पर खाली परमिट वो ले आएगा, उस दे आएगा, बस वो अपने आप करेंगे, अर्जी लिख के दे आएगा, उसकी अर्जी लिख के देगा, उससे कोई सर्टिफाइड करके ले आएगा, माइनिंग अफसर के पास जाकर के परमिट भी प्राप्त कर सकता है, परमिट ले आएगा वहां। इससे पहले इन सब कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से किसान व छोटे व्यापारियों को कार्यालय में जाकर सभी कागजात जमा करवाने की अनुमति लेनी पड़ती थी, परंतु अब इसके बाद ये पोर्टल आज लॉन्च हो रहा है, अब उसको कोई कागज जमा नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो खाली यहां भी अगर इसके ऊपर ऑनलाइन वो कराएगा तो उसका सर्टिफिकेट निकल जाएगा, बहुत सरल है, और निकलेगा तो वही अलाउ हो जाएगा। किसान अपनी भरत के लिए, मान लो उसने अपने खेत से अपने घर कोई मकान बना रहा है, वर्त करना है उसने,
उसमें भी बड़ी दिक्कतें आती थी। भारत के कार्य के लिए इस पोर्टल के माध्यम से परमिट प्राप्त कर सकेगा, उसे इसके लिए भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पहले तो उसको 200 रुपए की फीस देनी पड़ती थी, अब उसको भी समाप्त कर दिया है। अब वो 200 रुपए की फीस भी नहीं उसको देनी पड़ेगी अपने भर्त के लिए। अपने खेत से मिट्टी उठाए, वो बताएगा कि इस खेत से मैं मिट्टी उठा रहा हूं और यहां मैंने भर्त करना है, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो घर बैठे ही इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर्ड करेगा, बताएगा भी मैंने इस खेत से उठाना है, यहां भर्त करना है, कोई पैसा नहीं लगेगा। साधारण मिट्टी के व्यवसाय से जुड़े जो छोटा काम करते हैं, व्यापारी भी अब इस पोर्टल के माध्यम से अनुमति ले सकेंगे। ग्राम पंचायतों को निकाली गई मिट्टी के निपटान के लिए जटिलता का सामना करना पड़ता था, इसीलिए इसे सरल बनाने के लिए अगले 3 से 4 दिनों में तालाब या जोहड़ बनाने में, साथ ही उसकी सफाई के लिए मिट्टी से संबंधित उत्खनन का प्रावधान इस पोर्टल से जोड़ दिया गया है। ऐसे में इस पोर्टल के लॉन्च होने से किसान और छोटे व्यापारियों समेत काफी लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा।